वो दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी। ये शहादत गहरे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान चूम गोयम मुसलमान बलर्जन के दान मुश्क लाते लाए लारा। अल्लामा ने कहा जब मैं ये कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ तो मेरा सारा जिस्म कांप जाता है। मैं जानता हूँ कि मुसलमान कहलाने के तकाजे की खुतबा दे रहे थे तो आज राहे कुछ तभी माँ समझाने के लिए फरमाने लगे। कोई नौजवान था तो उसकी निकाह की तकलीफ हुई तो सारे लोगों के सामने बादशाह ने कहा कि फलां की बेटी फलां तो मैं ये वो कबूल है। हाँ जी कबूल है। कहा कि फखर से इधर उधर देखा सब लोगों को देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा है। फिर उन्होंने दोबारा कहा फिर खुशी से मुस्कुराया इंशाल्लाह जी कबूल है। तीसरी बार पूछा जनाब कबूल है जी तो फरमाया कि जब अगला दिन हुआ दो दिन गुजरे बीवी ने कहा कि लाओ सालन लाओ रोटी लाओ आटा चीनी खत्म हो गई घी खत्म हो गया कपड़े धोने वाला साबुन चाहिए फला रिश्तेदार की तरह उसका खर्चा चाहिए अब बच्चे आ गए उनका खर्चा स्कूल का खर्चा पोटियाँ धोने की नैपियाँ लेंगे फला दुकान इतनी रात वो सटपटाव था ये कहाँ से आ गए। मैंने कब ये कहा था कि इतना कुछ मैं तुम्हें ढूंढा मैंने उस कहा कबूल किया तो सब मानने लगे कि भाई जब तूने कहा था कबूल किया तो कबूल किया में सारा कुछ ही कबूल हो गया था। उसमें बीवी से कबूल नहीं की थी उसकी जिम्मेदारियां उसका नाम आगे बच्चों का मसला और सारी जिंदगी थी उम्र कैद सारा कुछ तूने कबूल किया था। फिर आप मानने लगे कि हम कलमा पढ़ के जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं फिर कहते हैं ये मौलवी साहब हमारे पीछे क्यों पढ़ गए जी लाल राम का ख्याल करो जी नमाजें भी पढ़ो जी रोजे भी रखो जी सूद भी ना खाओ जी शोद भी ना लो झूठ भी ना बोलो गिबत भी ना करो लो जी ये क्या मुसीबत है अमानतदारी करो सदाकत हो शराफत हो अदालत हो सदाकत हो और रियाजत हो इबादत हो शर्म हो या हो सबर हो शुक्र हो ये इतनी बातें कहाँ से आ गई। तो भाई जब तूने कहा था ना कबूल किया तो उस लाज लाइन जगह में सारा कुछ कबूल हो गया था। फिर तुम्हारे लिए यार तो ये कबूल है वापस कर दो हिंदू हो जाओ सिख हो जाओ तुझे कोई मौलवी साहब ना पूछे कोई तुझसे बात ना करे कि ठीक है इसको रहने तो इसने वापस दे दिया कबूल है। तो जब ये भी साथ रखना है बीवी भी रखनी है तो फिर उसकी जरूरतें भी पूरी करनी पड़ेंगी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। और उसके बगैर अगर कहो कि सारा कुछ मौजे भी बनती जाए और आशा मिलती जाए तो ये नहीं हो सकता। वैसे लतीफे वाली बात हजरत ने कुछ तभी से बात की मुझे भी बात एक जेहन में आ गई हमारे उतनी से बस हम वाक्य सुनाने लगे। कोई अमीर आदमी था कर्नल के रैंक पे कोई सिख तो उसकी शादी हुई बीवी उसकी पढ़ी लिखी थी अच्छे मामला से आगाह थी तो उनके फौजियों के बैटमैन होते हैं तो बैटमैन जरा बास का ताम काम करता था तो उसने शिकायत की कि ये बंदा रूस कैरेक्टर है और मुझे बास का परेशान करता है या ताड़ता है क्योंकि तो वो बीवी को देखता नए नीले कपड़े पहनती है साफ सुथरे कपड़े परफ्यूम कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे कभी कोई अतालीफ आ जाता है उसको गाना सिखाने के लिए कोई उसको सरंगी बजाने के लिए कभी स्विमिंग के लिए कभी कुछ तो सरदार जी ने बताया कि मिठू राम बात सुन बात इसमें यह है कि जो मेरी बीवी है इसमें मैं एक महीने में उस दौर में मैं कोई 800 रुपया महीने का खर्चा करता हूँ अथवा डीप के इतने पैसे लगते हैं स्विमिंग सिखाने वाली को इतने पैसे देता हूँ जो इसको सरंगी सिखाता है उसको इतने गाना सिखाता है इतने और इसको जो रोज़ कपड़े अच्छे अच्छे पहनती है परफ्यूम लगाती है और मेरा 850-900 रुपया महीने का मेरा सिर्फ इस पर लग जाता है भाई कितनी तनखा है। उसने कहा जरा मेरी तनखा 26 रुपये तो क्या लगा कि अगर तू 950 दे सकता तो तू दे जा तो अगर 26 रुपया तुम्हारी तनखा है तो फिर उतने में गुजारा कर इसकी तरफ दोबारा मैंने आँख से देखी तो जूते मार के यहाँ से निकाल दो तो उसको हम तुम अगर कबूल मैंने किया तो मैं उसके सारी जरूरतें पूरी कर रहा तुम जरूरतें पूरी करना नहीं चाहते कर सकते नहीं और खाम खा तुम लज्जाई नजरों से फेरते फेरे मारते हो या देखते हो तुम्हें शर्म से दूर मरना चाहिए। तो
तो चाहते सब हैं कि हम औजे सुरैया पे मुकीम, लेकिन पहले पैदा तो करे कोई वैसा कलबे सलीम। और बंदा चाहता है मुझे सारे इजाजात मिले, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं लेकिन काम सबसे छोटों वाले करूं, ये तो नहीं हो सकता। शेर बड़े सरदार ने जिस वक्त इंसान बड़ा हो जाता है ओनली वेयर नोज वेयर द शू इन चीज जो था नागे सोता जाने। जब इंसान जो है वो कोई बड़ा ओहदे की तवक्को करता है तो बड़े ओहदे के तकाजे और बीमारियां भी बड़ी होती हैं, फिर वो भी सारी पड़ेंगे तुम्हें। ये नहीं है कि वो साहब रहे और बाकी साहब कुछ आ जाए। तो मौजूद हाजरीन कराम, लतीफ़ा नफ्स जो है जब इंसान कहता है मैं मुसलमान हूँ मैं मोमिन हूँ, तो लतीफ़ा नफ्स ये रुकावट बनता है, ये बुराई की तरफ खींचता है और अल्लाह उसका उनका हुक्म अच्छाई की तरफ खींचता है। तो जो उस नफ्स को जेर करके गिरा कर लताड़ कर बिछाड़ कर जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे अमल करता चला जाए वो मुजाहिद है, सारी इज्जतें सारे मर्तबे उसके लिए। उसको अल्लाह ने कहा है या अय्यतु नफ्स मुतमईना इरजी इला रब्बिकी राज़िया मर्ज़िया फ़ादखुली फ़ी इबादी वादखुली जन्नत। उनको कहा है उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। उनके लिए कहा है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ। उनके लिए कहा है वहुम वलकुम فيها زواج مطهرة وهم فيها خالدون। ये सारे वादे उनके लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें भी इस ज़ालिम नफ्स को कुचलने की मारने की इसका तरीका क्या है मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बस करूँगा। बड़ा आम है वो सादा सा है, नफ्स को मारना ये नहीं कि इंसान खाना भी नहीं छोड़ दे और वो जो इंसान को बुराई पे उभारने वाले आले हैं उन्हें काट के फेंक दे और उनको कुचल डाले, इसका मफहूम और है। वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में तफसील से किया जाएगा।